वेलकम टू ट्रबल सूट टेक। इस वीडियो में मैं आपको INVT VFD जो मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ गुड ड्राइव 10, इसकी फैक्ट्री रीसेट के बारे में बताऊँगा। देखिए, फैक्ट्री रीसेट क्या है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैसे नॉर्मली बताते नहीं है क्योंकि ये काम धंधे की बात होती है कि अगर आप ड्राइव में कोई भी प्रॉब्लम कर लेंगे तो आप मुझे ही बुलाएंगे, फिर मैं उसका विजिट चार्ज वगैरह लूँगा। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर इसकी फैक्ट्री रीसेट बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चैनल जो है उसको लाइक कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काम धंधे की चीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसकी फैक्ट्री सेट के बारे में। पहले मैं आपको नॉर्मली इसको रन करके दिखाता हूँ। ये अभी मेरी रिमोट से चल रही है, रिमोट में चल रही है, ठीक है। और यहाँ से इसमें स्पीड कंट्रोल हो रही है। फैक्ट्री रीसेट जब हम करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल सेटिंग में आ जाएगी, जैसे ही कंपनी वालों ने इसको ओरिजिनल सेटिंग में सेंड किया था, ठीक है। तो इसके लिए हम पैरामीटर वाला, ये प्रोग्राम वाला हम बटन दबाएंगे, पैरामीटर P00 में जाएंगे, एंटर करेंगे P00 में। और यहाँ पर हमें P00 के पैरामीटर नंबर 0.18 में जाना है, वहाँ पर एंटर कर देना है। और इस जगह पर हमें 1 सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। और अब हमारी ये ड्राइव जो है ये फैक्ट्री रीसेट लग चुकी है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा 50 आ गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये डायरेक्ट रन हो जा रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये ड्राइव है ये फैक्ट्री रीसेट लग चुकी है, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ वैसे हमें नहीं बतानी चाहिए मैंने वो भी आपको बताई है फैक्ट्री रीसेट के बारे में। तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे पास जो भी मॉडल की VFD आती रहेंगी, मैं सारी VFD के बारे में आपको लोकल से चलाना, रिमोट से चलाना। लोकल से चलाना ये है, कीपैड से जो हम चलाते हैं वो लोकल से, रिमोट से चलाना, इन कंट्रोल टर्मिनल से चलाना, वो सारी VFD जो भी मेरे पास आती रहेंगी मेरे ऑफिस में, मैं सबके बारे में आपको बताता रहूँगा। ये मैंने INVT गुड ड्राइव 10 1 HP 400 वोल्ट, इसके बारे में मैंने बताया था। अब जो भी VFD आएगी उसके बारे में मैं बताऊँगा। चलिए ठीक है।